जिला मुख्यालय पर अनोखा सूरज पूजा देखने को मिली। महिलाओं की संतान प्राप्ति पर तो अब तक सूरज पूजा देखने को मिलती है, लेकिन एक गाय के बछड़ा होने पर सूर्य पूजन का ये वाक्य दृश्य पहली बार देखने को मिला। जी हाँ, पाली के जयनगर में रहने वाले रामकिशोर शर्मा के परिवार में गाय पालने का शौक है। 7 दिन पूर्व जालर नाम की उनकी गाय ने बछड़ी को जन्म दिया। शर्मा परिवार ने जालर बछड़ी व सुंदरा का सूरज पूजन कार्यक्रम का आयोजन करवाया। रिश्तेदारों मोहल्ला वासियों को आमंत्रित किया, सूरज पूजन की रस्म निभाई। इसके तहत गायें जन्मे बछड़ी का श्रृंगार किया गया। इसके बाद महिलाओं ने सूरज पूजन के दौरान गाए जाने वाले पारंपरिक गीत भी गाए। ऐसा वाक्य जिले में पहली बार देखने को मिला। श्रीफल उपहार भी भेंट किए गए महिलाओं को। सूरज पूजन को देखने के लिए सैकड़ों लोग एकत्रित हुए। मोबाइल में कैमरे में सनों की दृश्य। आज हमारी गाय माता जो हम नहीं लेके आए छालरी और वो उसकी जो टोकरी है वसुधा, उनका हमने एक तो सूर्य पूजन किया, हवन किया और नामकरण किया वसुधा का। तो और ये इसलिए किया क्योंकि हम क्या हम जैसे गौ माता को हमारे घर का हिस्सा मानते हैं। हमको क्या हर सनातनी को मानना चाहिए, पौराणिक काल से चला आता है। तो इसलिए जैसे इंसानों में होता है वैसे की वैसे सारे रीति रिवाज हमने इनके साथ करे हैं। और आज हमने हमारा जय श्री कृष्णा, जैसे अपने अपन सूर्य पूजा करते हैं और नावन करते हैं, उसी तरीके से मैंने भी मेरे गाय के बछड़ी हुई और नावन किया है। बाकायदा औरतों को बुलाया है, सभी गीत गाने वालों को, सबको एक एक श्रीफल और एक एक गुड़ की जैसे देते हैं, लापसी वगैरह बनाई है, ड्राई फ्रूट्स की पूरी, जैसे अपन अपने लोगों के लिए करते हैं वैसे के वैसे मेरे गाय, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, उन्हीं की तरीके से उनको भी हम उनकी पूजा करते हैं। और हर फंक्शन वो करते हैं जो अपन अपने बच्चे होने पर भी करते हैं, वैसा का वैसा उसी के लिए करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि हर घर में जो भी गाय रखे वो इसी तरीके से परिवार का सदस्य समझ करके उनको उसी तरीके से अपने बच्चे समझ